नमस्कार आम हॉकी स्पेशल शो चकदे ओडिशा को वेलकम करुच्चे मुझे विकास प्रतिदिन भाई आज आम सहित तो स्टूडियो रे गेस्ट अच्छा आम सहित तो फिल्ड आम प्रतिनिधि रे हॉकी जूनियर मेन्स वर्ल्ड कप को आउ मात्र सात दिन समय रही जहाँ लेटेस्ट अपडेट आसूची अनेक टीम आसी भुवनेश्वर से पहुंची सारी दर्शक बंधु आम आगू कोच मान सहित तो आलोचना करूँ आज आम सहित तो स्टूडियो जी गेस्ट उपस्थित अच्छा से होशा मेन्स हॉकी टीम रे यंग प्लेयर आम सहित अभिजित स्वाई अच्छा जे ओडिशा टीम रे खेलती सहित आम परिचित होगा सहित राउरकेलू आम सहित अच्छा क्रीड़ा प्रशिक्षक सत्यनारायण पंडा से आम सहित जोड़ी जाते अभिजित ठार कि रिएक्शन नवा सी रॉ टैलेंट हॉकी खेलुंट स्टेट पाई अभिजित वेलकम कर शो को प्रथम तो कंग्रेचुलेसन तुम स्टेट पाई खेलु बहुत कम एज हुए तो तुमको 21-20 एज हम बोधे 21 वर्ष हम कम लगुच हॉकी रे केमती तुम आस मु तो फास्ट माने आम से चले ग्राउंड था फास्ट से देख ली शिखिली पिला मैंने बहुत आम से एरिया डिस्ट्रिक्ट आम बहुत हॉकी खेलती मुझे देखी शिखी मैंने सुंदरगढ़ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो सही चले बहुत खेल मैंने सुंदरगढ़ तो हॉकी रो गोड़ कहते सुंदरगढ़ को आम से तो सबुआड़े हॉकी चले प्रेम हेले मुझे देखिक शिखिकी आप मोर से इंटरेस्ट आसला कि आउ खेल आगे आउ किसी हम आउ बड़े बहुत ये खेल आशा करना खेल ओके तापरे जूनियर्स टीम तापरे एबे मेंस सीनियर हॉकी टीम स्टेट रो हाँ एबे सीनियर मेन ओडिशा रो स्टेट टीम रो अच्छी सेटू हमें ट्रेनिंग करछु सेटू हमें सेटू प्रैक्टिस चलछ हम खेलवा सेटू एबे केम लागछ माने प्रिपरेशन चलछ हम प्रिपरेशन तो सबु दिन चले सखाळ संध्या हार्ड प्रैक्टिस चले माने रेस्ट मिले सेंती प्रैक्टिस तो कंटिन्यू चले थाय पर हमर सेमिति अच्छा तुम जानतो ओडिशा रो एबे जूनियर मेंस वर्ल्ड कप होउछे एवं तीन जन ओडिया प्लेयर एबे टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करिवे तुमर के सांग अछंत के से टीम रे हां मोर तीन जन सांग अछंत सुदीप चिरमा को अभिषेक लाकरा आ सुनील जज से माने आमरी क्रीडा पिला माने सब अच्छा तो माने तीन जन तुम सांग सम सांग से माने कोन तांका भीतर डिफेंडर फॉरवर्ड तुमे बदे फॉरवर्ड खेलिबो हां तो भी फॉरवर्ड किए डिफेंडर किए फॉरवर्ड है सुदीप चिरमा को जी फॉरवर्ड खेलु अभिषेक लाकरा आ सुनील जज से डिफेंडर माने अच्छा से माने टीम इंडिया रे सिलेक्शन हवा परे तुम सहित जोगाजोग होता कमी कौन रिएक्शन देते रिएक्शन तो सब मैंने आम सांग कह तो सब भल रिएक्शन मैंने भल ये कथ हमें एमती चले मैंने भाई भाई भितर सब चले एम निज निज भाई भाई भितर भाई भाई भितर प्लान कर कमी ओपोनेंट टीम को बैंड बजे फील्ड को हाँ कौन तांका सहित कथा हुए सुदीप सहित या फिर अभिषेक सहित सहित कौन कह अरे ये टीम अच्छी ये स्ट्रंग अच्छी से स्ट्रंग अच्छी सहित केमती खेलबू से टीम रे प्लेयर को तो टारगेट करबार अछि फर्स्ट टैक्टिक चले कि माने केमती से डिफेंस फर्स्ट ओपोनेंट केमती आमे मारिबू ताको प्लान कोन थे ओपोनेंट आमो का रिएक्शन थिबो कि केमती आमे तांको हम अटकेबू और केमती खेलिबू आमे केमती कॉलेज से टीम को भरेबू कहि किना हम पर प्लान चले फर्स्ट जो टीम हम मीटिंग हम कि केमी कौन पोजिशन कौन स्ट्राटेजी खेलने हरे पारे कहीं अच्छा तापर सुदीप बोधे फॉरवर्ड रे अच्छा तुम्हें भी फॉरवर्ड खेल आ बाकी दुई जन डिफेंडर अच्छा फॉरवर्ड मानक अधिक फोकस थाए टीम विनिंग रे बड़ा भूमिका थाए से बहुत अटाकिंग था बहुत जल्दी रागि जाती भी तो तुम आउ सुदीप जो तुमने आलोचना कर कि टीम मीटिंग हुए कि किए जब तुमको फिल्ड मजे किए धक्का दब ये दब रागि जाए कि सहित खेली जाओ एक तो आम बहुत मानते जी खेल पूरा एग्रेसीव खेलती बाहर मानते पाने भी से एग्रेसीव नाला खेल मजा आसवन फिर अच्छा तो धोखा धोखी मारे टे धोखा ये मारे पुसींग फुसींग चले सब पड़िया मजे पड़िया रे अपोनेंट टीम सहित चले चले हाँ स्ट्राटेजी भी था जे सी आम सहित करेंगे भी सहित कर स्ट्राटेजी कले जो प्लेयर भल थे रगे पड़ो कि सी एम रागे उल्टा फुल्टा खेल सर्ट मार से चले स्ट्राटेजी आओ ओके आम सहित तो अभिजित अच्छा सेयार कर सुदीप चिरमा को अभिषेक और सुनील कर सी सांग सहित खेली सहित से अनेक गुड़े कथा सेयार करते स्ट्राटेजी बनाते आम सहित राउरकेलू क्रीड़ा प्रशिक्षक सत्यनारायण पंडा सार जोड़ी जाते सत्य सार वेलकम करुच्चे शो को आपण दुईज स्टूडेंट एवं टीम इंडिया रे शामिल होती कौन रिएक्शन देबे जे सी कौन को माने आप जो सुनले से माने जाइछन निहाती भाबे एक गर्वर कथा होइतो आपण को पई प्रथमे मो तरफ रु अर्घस टीवी को धन्यवाद स्पोर्ट्स आर कवरेज हॉकी पई आमर जति वर्तमान वर्ल्ड कप जो होबा को जाउची ता पई जो कवरेज करूची आउ कवरेज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया माध्यम रे समस्त पाखरे हॉकी को पहुँचे पारुची
ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଅର୍ଘସ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକି ରହିଲା ଆମ କଲେଜରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବି, ବେଙ୍ଗଲୋର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମର ତିନି ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ସେଠୁ ଗ୍ରେଗୋରୀ ଖେସ୍ ସେ କଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ରାଉରକେଲାରୁ ତିନି ଜଣ ପାଇଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମାନେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଷେକ ଲାକ୍ରା, ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକ। ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକ ମୋର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନହେଲେ ବି ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖା ମୋର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହିଥାଏ। ଆମର ଖେଳ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ରହନ୍ତି, ତାର ରହିବା କାରଣ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, କାର ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଟିମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ କମ୍ବିନେସନ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ହିଁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହୁ ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖେଳର କଥା, ଖେଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁ ଖେଳ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଥାଏ, ଫିଟନେସ୍ ବି ଥାଏ, ଆଗ ପଛ ହୁଏ ଟେକ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ। ଟେକ୍ଟିକ୍ସ କାହାର କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, କି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ହେଉଛି ସେଇ ଦିନର ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଆଗାନ୍ତି। ଓକେ, ସତ ସାର୍ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେଉଁଭଳି ହେଉଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣ ସେଥିରେ ଅନେକ ଭୂମିକା ଥାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମିଲଟନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଛୁ, ଆମ ସହିତ କାଳୁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଟଫ୍ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ କଲେଜରେ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଠାରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଟଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଫେଜ୍ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ଆମର ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କୋଚିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଉଛି, ଆମର କେତେ ଦିନିଆ କୋଚିଂ ଆମର ରହୁଛି, ସପ୍ତାହେ, ମାସେ, ଛଅ ମାସ, ବର୍ଷେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫିକ୍ସ ହୁଏ। କୋଚିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ତାର ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଫିଟନେସ୍ ପାଖରୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏବିଲିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବଳ ଖାଲି ସ୍କିଲ୍ ହେଲେ ହେବନି, ଫିଟନେସ୍ ହେଲେ ହେବନି, ସାଇକୋଲୋଜି ବି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରାଯାଏ କେମିତି ଖେଳିବ, କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବ, ଏଇସବୁ ଆମର ଖେଳର ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଆର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି, ଦରକାର ବି ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳୁ ଯେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବିହାରୀ ସାର୍ କୋଚ୍, ସିନିୟର୍ କୋଚ୍, ତାପରେ ଆସିଲେ ବିଜୟ ସାର୍, ବିଜୟ ଲକ୍ରା ସାର୍, ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି ଏଜ୍ ଏ କୋଚ୍। ପିଲାର ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ସକାଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯେଉଁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ବଡି ୱେଦର ଅନୁସାରେ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର। ସତ୍ୟ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ସୁଶାନ୍ତ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ନେଇକି କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି? ଆପଣ କାଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବେଲଜିୟମ୍ ଆସିସାରିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସୁଶାନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପହଞ୍ଚିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବେଲଜିୟମ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଯୋଉ ହଲାଣ୍ଡ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ଦଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ହଲାଣ୍ଡ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଛି, ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ହୋଟେଲକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅବଧି, ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଦଳ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ନିୟମ ହେଇଥିଲା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ, ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ କିଛିଟା କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ରହିଥିଲା ଯେମିତି ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲମ୍ବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପିରିୟଡ୍ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ କମ୍ପଲସରୀ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିବା, ଏବଂ ଡେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଯୋଉ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ
କରାଯାଉଥିଲା ତ ଯାହାକି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବି ବାହାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନର ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ସେଟା ରହିବା ନେଇ ସେମାନେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ଯୋଉ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଅବଧି ସେଟା ପିରିୟଡ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପିରିୟଡ ପରେ ସେମାନେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଶାନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଦୁଇ ତିନିରୁ ବଡ ବଡ ଦଳ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଯିଏ ବେଶୀ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ ଜର୍ମାନୀ ଟିମ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଜର୍ମାନୀ ଟିମ୍ କେବେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସୁଶାନ୍ତ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ଟିମ୍ କେବେ ଆସିବ ପହଞ୍ଚି ସେନିକି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି କି ଜର୍ମାନୀ ଟିମ୍ କେବେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ହେଉଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଜର୍ମାନୀ ଦଳ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରେ ତେଣୁ ଆମ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ସିଡ୍ୟୁଲ ଗୋଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଉ ସମୟରେ କେଉଁ ଦଳ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀର କୋଉ ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯିବ ସେଥିପର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ରିଲିଜ ହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତିନିଟି ଦଳ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଦୁଇ ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଇଭଳି ଚାଲିବ ଏବଂ 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଦଳ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ 21 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଏବଂ 24 ତାରିଖରୁ ଏଇ ଯୋଉ କଡା ଟକ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯୋଉଟାକି କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ 35 ଜଣିଆ ଦଳ ତାପରେ 24 ଜଣିଆ ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏବଂ ଖେଳାଳି ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛିଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦଳ କହିବା ଆପଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଂଲଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଆଳରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ଦଳମାନେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି ସେଇ ଦଳ ଗୁଡିକ ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆହୁରି କଡା ଟକ୍କର ଆମେ ସୁଶାନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆହୁରି କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ପାଇଁକି କିଛି ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଏସବୁ କୁହାଯାଉଛି କଡ଼ା ଦାବିଦାର କୁହାଯାଉଛି ଏମାନେ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସମୟ ହେଇଛି ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଆଗରୁ ତାହାର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ସମୟ ରହିଛି ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍ ମେନ୍ସ ପାଇଁକି ଏବଂ ଏଥର କିଏ ଜିତିବ 2016 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍ର ଯାହା ସେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଜି ମାରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁ। ଆମେ ଫେରିବା ସତ୍ୟ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ରାଉରକେଲାରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଏଇ ଯେଉଁ 18 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଡିଫେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଆଶା ତ କରିପାରିବା ଯେ ଗତଥର ଯେମିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଜି ମାରିଥିଲା ଏଥର ତ ଆରାମସେ ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍କୁ ହାତେଇ ନେବ। ହଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଆପଣଙ୍କର ବିଗତ ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍ର ଯେଉଁ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ଏଥର ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହୋଇଛି। ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ କହିବି ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାଙ୍କ କଥା। ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଫରୱାର୍ଡ଼ଟେ ପାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର କେବଳ ଭାରତର ନୁହଁ ପୃଥିବୀର ଯେତିକି ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଅଛି ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ।
सुधीर चिरबाक कौन करुचे आमती अटकाय जापर तापाई से निश्चित भाव प्लां तारीे से प्लां एगेन्स्ट्रे सुदीप चिरमाको केते एडवांस करा देखार अच्छे आर व्यक्तिगत भाव में मोर विश्वास अच्छी इंडिया एथर मध्य चंपियन हम तादेहरे आमर सुदीप चिरमाको अभिषेक लाक्रा सुनील जोजो एम परफॉर्मेंस बहुत भल रच्चकोटीर र उच्चकोटीर रहा सत्य सार कहते कि भाव टीम इंडिया परफॉर्मेंस सुदीप चिरमाको सुनील और अभिषेक उपर नजर सागर अच्छा टीम कैप्टन इंटरनेशनल लेवल से खेल एक्सपीरियंस रही तेज हॉकी को लेकिन कौन रही फैन्स मानक रिएक्शन कि भाव ओडिया फैन्स मैंने हॉकी वर्ल्ड कप को लेकिन कौन तरह प्रतिक्रिया आसने सुनवा जानते नवंबर 24 रे जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्ट होमपाई गर्व और गौरव कथा कि यहाँ ओडिशार मिलमिशी प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करवा इंडिया समस्त मिलमिशी कह चक दे इंडिया चक दे ओडिशा। सुंदरगढ़ से 3 प्लेयर गए हैं हमारे इंडियन टीम में और मुझे हॉकी देखना पसंद है इसीलिए उस मैच को मैं मिस नहीं करना चाहता और इस बार मेरा विश्वास है कि इंडिया जीतेगा। चेयर अप इंडिया, चेयर अप सुंदरगढ़। प्रत्येकटी भारतवासींकर भल पाइबा एवं बेस्ट विशेष हॉकी टीम सहित रही निश्चित भाव से बहुत भल करेंगे और भारत को पुणी थे गौरवान्वित कराइबे। प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर एतिक प्रार्थना चक दे इंडिया चक दे ओडिशा जय जगन्नाथ। आसंता 24 नवंबर रु आम राजधानी भुवनेश्वर ठारे आरंभ होबाकु जाउछि मेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप एथिपाई आम भारतीय दल को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँगी और आशावादी अच्छे पूर्व वर्ष धरी जो भाई भाव उच्चकोटीर प्रदर्शन करथर मध्य प्रदर्शन जारी रखिए आसतु समस्त मिलमिशी आम भारतीय दल को उत्साहित करवा चक दे इंडिया चक दे ओडिशा जय जगन्नाथ। आसंता नवंबर 24 तारीख दिन अनुषित होगाक जाऊँगी जूनियर्स मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ गौरव कथा कि ओडिशा अनुषित होगा जाऊँगी तो आसतु समस्त मिलमिशी आम टीम इंडिया को सपोर्ट करवा और चेयरसअप करवा चक दे इंडिया चक दे ओडिशा। बहुत खुशी और गौरव कथा कहीं नवंबर 24 रु जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो तो आसतु आम एकता ही प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करवा आम टीम इंडिया पाई आउ समय आसी जाए सपोर्ट आउ चेयरअप करवा आम टीम इंडिया को तो आसतु मो सहित मिलमिशी कह चक दे इंडिया चक दे ओडिशा। नमस्कार मुत्युंजय समय आसी चेयरअप आउ सपोर्ट करने आज्ञा हाँ नवंबर 24 तारीख दिन जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो आमपाई खुशी और गर्व कथा कि यह आम ओडिशा होचे आज्ञा हाँ आसतु समस्ते मिलमिशी प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करवा कि आम टीम इंडिया जितु आसतु समस्ते मिलमिशी चेयरअप आउ सपोर्ट करवा टीम इंडिया को यस आसतु समस्ते मिसी कह चक दे इंडिया चकते ओडिशा। 24 नवेम्बर हवाक जाऊबा FIH ओडिशा जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप पाई मु इंडिया टीम को बहुत सारा शुभेच्छा शुभकामना जनवाई चाहिए और विगत दिन में सेने जमी प्रदर्शन कर सारा इंडिया पाई जमी खेली मुझे कि जूनियर टीम दिस टाइम मध्य सेमती खेलतु और इंडिया ना सब आड़े रखत आमती आमको प्राइड प्राउड फिल कर मोर मो तरफ बहुत सारा ढेर सारा शुभकामना शुभेच्छाई बहुत सारा गुड विशेष मुझे चाहूँगी से भल करूँ एवं आम इंडिया को पुणी थे हॉकी की जोटा आम जातीय खेल हॉकी ताकु नहीं पुणी आगो को जातु इंडिया ना सबू आड़े रहू एतिकी मोर कामना श्री जगन्नाथों ठारे जय जगन्नाथ जय ओडिशा जय भारत। आसंता 24 नवेम्बर जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप अनुषित होमपाई गर्वर कथा कि यह आम ओडिशा अनुषित हो आसतु प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करवा आम टीम इंडिया आसतु आम समस्ते मिसी चीयर अप एंड सपोर्ट करवा आम टीम इंडिया को चलतु समस्ते मिसिकी कहवा चक दे इंडिया चक दे ओडिशा। आसंता 24 तारीख पाखु आम राजधानी भुवनेश्वर ठार FIH हॉकी टूर्नामेंट आरंभ होगा जाऊँगी जो भाई भाव भारत एथर ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल जीति आम समस्त एकत्रित भारतीय दल को चीयरअप करूँ आसतु पुणी एकत्रित हवा आम मेन्स टीम को पुणी आउ थे चीयरअप करवा गर्वे चक दे इंडिया चक दे ओडिशा। तेज फैन्स को रिएक्शन थिला हॉकी वर्ल्ड कप होउछि समस्तंकर से गोटे कथा चक दे ओडिशा चक दे इंडिया आम आलोचना जारी रखा अभिजित रिएक्शन ना सत्य सार आम सहित जोड़ सुशांत आमको अपडेट दौरान कि समय आउ एक छोट ब्रेक र
ब्रेक पर चकदे ओडिशा को वेलकम आम सहित अभिजित अच्छा अभिजित आपन रिएक्शन सुनते फैन्स मैंने केमती हॉकी को नहीं एक्साइटेड हो गले पूरा ओडिशा एथर हो जेहेतु जूनियर टीम होनेक कॉलेज पिला थे जो मैंने पाठ पढ़ुंट हॉकी को नहीं टे आग्रह बढ़ुचार हॉकी आग्रह टी बढ़ लगे तुम एज ए यंग प्लेयार ओडिशा खेलु सीनियर प्लेयार जो मैंने अच्छे हरमन प्रीत कि अन्य जो मैंने पी सृजय से सहित इंटराक्शन के खेली सहित प्राय मैच खेलु टूर्नामेंट सब खेलु से मैंने बहुत मैंने आमको किसी मैंने शिक्षा मिले कि स्ट्राटेजी केमती कौन थाए और कौन थाए कौन पोजिशन थाए कौन केमी खेले आम क्यों कैप्चर करूँ ये सब आम देखिए मैंने बहुत मैंने शिखी पारू तक खेलिकिना भी आम से मैंने बताते हैं कोई मिस्टेक है कोई पोजिशन कमी खेलिया कौन कले मैं कमी कर अच्छा जो सहित इंटरेक्शन हुए बाकी ऑन फील्ड तो सब स्पोर्ट्स रिलेटेड ही थी ऑफ फील्ड कौन था माहौल कम था ऑफ फील्ड तो मैंने सब भाई भाई माहौल था कमी मैंने सब निज निज मैंने बताते एमती हेल्प करते कौन मिस्टेक है कौन ना कमी रहा अच्छे कौन कमी कर सब बताते हेल्प करते जूनियर कहीं अच्छा रिएक्शन शुणुले सब प्लेयर जो मैंने फैन्स थे तुम सांग अच्छा जूनियर वर्ल्ड कप होशार कौन मेसेज दब तुम फ्रेंड्स मानक आउ टीम कौन मेसेज रहा फास्ट तो कंग्राचुलेसन देवी से जहाँकिन जूनियर वर्ल्ड कप खेल एवं आउ मोर आशा अच्छे कि वर्ल्ड कप जीतिकिना आम ओडिशार आउ इंडिया ना गौरव करा कहीं से मुझे बहुत ये करी आ मोर तो रहा चकदे ओडिशा चकदे इंडिया कौन लगुच तुम सांग के गोल करेंगे एथर मो सांग हाएस्ट स्कोर रे कहीं मो आशा अच्छे अभिषेक सुनील समस्त तो सामान एमती किसी कही पार्टी सब तो बराबर खेलती बाकी अलग स्टेट मान को टक्कर देवे हाँ टक्कर देखना से टप्रे रे जहाँ कहते आम जो मैंने प्लेयार अच्छा टप्रे अभिजित सांग मैंने टीम इंडिया अच्छा सत्य सारे फेरबी राउरकेल से अच्छा सर कौन कहे जे टीम इंडिया जो भाई परफॉर्मेंस रही 2016 कथ कह सीनियर टीम तो ओलंपिक रे 41 वर्ष पर एक ऐतिहासिक मुहूर्त थिला जे ब्रोंज सिल्वर गोल्ड जो रेस थिला सेतरे से तो इतिहास रचिदला वर्तमान जूनियर टीम कथा पडुची ई जूनियर तो गोटे पहाच एई पिला माने आगु को जाई सीनियर टीम रे रिप्रेजेंट करिवे सर हां ये आपण देखंतु आ पूर्वरु हमरो दीपशांत की सी भी वर्ल्ड कप खेली भी परफॉर्मेंस बहुत भल सी वर्तमान सीनियर रे क्यूरे अच्छा तापर ये जो यही जन वर्तमान जो जूनियर अच्छा से माने आगामी दिन में सीनियर रेगुलर मेंबर हेबे रेगुलर मेंबर इन दि सेंस प्लेइंग इलेवेन सेटा रहिबे आमर तो रोटेशन बेसिस रे माने प्लेयर खेलती तो ये माने भारत वर्ष टीम इंडिया आगामी दिन में आज ठारू तीनोटी आइकन पाई वर्तमान ये आइकन जो तीन जन अच्छा ये तीन जन को आम के दूर से मानक आगे नहीं पार्टी सब सुविधा असुविधा हानि लाभ सब आम सबको ठीक करी केमी मार्गदर्शन करवा से बहुत बड़ कथा गोटे जूनियर वर्ल्ड कप खेलीदे बहुत बड़ कथा से नुहे आग को सीनियर वर्ल्ड कप रे भी चांस पाइबा दरकार आउ मोर आशा मोर कहीं ओडिशार समस्त आशा ये तीन जन भारत वर्षर भविष्य सर जहाँ आप रिएक्शन दौले आमर प्लेयर मानक जहाँ नजर रही है समस्त ही टीम इंडिया को विन करारे बड़ भूमिका निर्वाह करें सीनियर टीम को जाए रिप्रेजेंट करेंगे सत्य सर जहाँ आमको रिएक्शन दौले आम सहित अभिजित थे प्लेयार मेट जी थे अनेक शेयर करुले सीनियर मान सहित केमती इंटराक्शन था निजे स्टेट टीम पर खेलुंट र टैलेंट 21 वर्ष एज से हकी आग्रह एत से कलिंग स्टेडियम रही ट्रेनिंग रोचे डेली से हार्डवर्क करैक्टिस अभिजित थैंक यू आम शो तुम आसी बहुत बहुत धन्यवाद समय सरी चकदे ओडिशार आम स्वतंत्र कवरेज को ये रखा विदाय दिंतु नमस्कार।